सी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए ये प्रोग्राम्स के आउटपुट हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी मैं इसका आउटपुट यहाँ दे दिया हूँ 11। देखना है कि 11 इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो इस लूप के अंदर तो पहले इंसुलेशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। इंसुलेशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद कंट्रोल यहाँ को आएगा। तो ये तो कंडीशन है, कंडीशन ये ट्रू तब तक होगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 है। अभी तो आई की वैल्यू 1 है, ट्रू होगा। एक्चुअली ये ट्रू होने के बाद यहाँ को आना चाहिए, नीचे आने के बाद इसको प्रिंट करके इधर जाना चाहिए था, मगर यहाँ सेमी कोलन लगा दिए। यहाँ सेमी कोलन लगाने के वजह से क्या हो गया, ये और ये प्रिंट एफ और फर, वो फर का जो कंट्रोल पार्ट है और प्रिंट एफ जो है, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गया। अलग अलग स्टेटमेंट हो जाने के वजह से कंडीशन इसके बाद सीधा इधर आएगा, आई प्लस प्लस को आएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 होने के बाद फिर जाएगा कंट्रोल, कंडीशन को चेक देखेगा, ट्रू होने से फिर आई प्लस प्लस को आएगा। ऐसा यहाँ पे ही घूमेगा, प्रिंट एफ को नहीं आएगा। ये कब तक चलता रहेगा ऐसा, जब तक फॉल्स नहीं होता है। फॉल्स कब होगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी। तो जब 11 होते ही ये फॉल्स हो जाएगा, एज ए नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ को आना पड़ेगा उसको। तब हाँ, जब आके आई की वैल्यू को जैसा प्रिंट करता है, जब उस वक्त वो 11 होता है, क्योंकि वो कंडीशन वो लूप को छोड़ते वक्त आई की वैल्यू 11 हुई थी, तो 11 होने से वो छूट गया था, तो फॉल्स होके वो छोड़ दिया था। एज ए नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार इसको एग्जीक्यूट करके कंट्रोल इधर आ जाएगा, वो 11 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ये इसका आउटपुट है। चलो दूसरा प्रोग्राम का आउटपुट देखिए। देखिए ये प्रोग्राम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही नहीं है, अकाडेमिक के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे ये प्रोग्राम, की कोड के ऊपर आपको ग्रिप पाएगा कि स्टार्टिंग शॉर्टिंग है, ये पार्ट स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिया हूँ। तो आप देखते हैं दूसरा प्रोग्राम, देखिए इसका आउटपुट देखेंगे क्या आने वाला है। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, कंडीशन तो ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू होती है यहाँ को आया। देखिए कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट ले लो, तुम्हें फर हो, वाइल हो, इफ हो, कुछ भी हो, जो कंडीशन ट्रू होते हैं इसका इमीडिएट स्टेटमेंट जो होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ को ट्रू होते इधर आया। ये डबल इक्वल टू नहीं है, सिंगल इक्वल टू है, यह डबल इक्वल टू नहीं है, सिंगल इक्वल टू है। आई इज इक्वल 5, 5 आई को असाइन हो जा रहा है। फाइनली इतना समझिए कि हाँ 5 है, फाइनली यही होगा यहाँ 5। इंसुलेशन के बाद क्या है, आई की वैल्यू 5 आई होगा, वहाँ आई की वैल्यू 5 होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट 5 लिखा हूँ। आई इज इक्वल 5 के बाद समझना हुआ 5 है। तो क्या हुआ अभी, तो ये ट्रू हो जाए, क्योंकि समझना आई को 5 इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे आई है, आई की वैल्यू 5 है, समझो टोटल पे यहाँ 5 है। 5 क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर 5 ट्रू में माना जाता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ट्रू में माना जाता है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ 0 होता तो फॉल्स हो जाता था, यहाँ 5 होने की वजह से यह ट्रू हो गया। तो ट्रू होगा सीधा इधर आ गया, आने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट हुआ तो 5 प्रिंट हुई। देखिए 5 प्रिंट होने के बाद आई में 5 इनिशियलाइज हो गया ना, तो फिर इधर जाने के बाद आई की वैल्यू 6 होगी, फिर कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा, आई की वैल्यू 6 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आने के बाद फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर ये ट्रू हो जाएगा। देखो आई समझो कि 5 डायरेक्ट ऐसा 5 ही लिख के देखो, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए आई इज इक्वल टू 5 का मतलब यही है कि 5 आई को इनिशियलाइज हो जाने के बाद आई की वैल्यू 5 होगी, वहाँ पे आई है माने कि 5 है, ट्रू होते फिर 5 प्रिंट होगा, 6 होगा ट्रू होगा, फिर यहाँ जाएगा आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर यहाँ जाएगा 6 होगा, फिर यहाँ ऐसा है ना, इन्फिनिट टाइम चल जाएगा, इन्फिनिट टाइम। इसलिए नहीं करेंगे, नहीं आउटपुट नहीं देखेंगे तो ही अच्छा है। अच्छा ये इन्फिनिट टाइम 5 5 5 करके आता रहेगा। देखिए फॉल्स होना है तो आई की वैल्यू 11 होना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू 11 कैसा होगी, यहाँ 6 होते फिर यहाँ आके 5 हो जा रहा है, इसके कारण इसका आउटपुट है 5 5 5 5 5 करके आता रहेगा। नेक्स्ट और एक प्रोग्राम देखा जाएगा, हम लोग थर्ड प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या आएगा देखेंगे। अब ये आई में 1 है, जे में 1 है, के में 1 है, आप देख सकते हैं आई में 1 है, जे में 1 है, के में 1 है, है क्या ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर में वही भी एक टाइप है ये भी देखिए। अब यहाँ 3 ऑपरेटर्स है, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होना है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, जिसका प्रियोरिटी ज्यादा है वो एग्जीक्यूट होगा। हाँ प्रियोरिटी भी तो सेम है, सेम ऑपरेटर है, जब सेम ऑपरेटर है तो प्रियोरिटी किसकी एग्जीक्यूट, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, तो कौन एग्जीक्यूट होगा, जब एसोसिएटिविटी देखा जाता है, एसोसिएटिविटी बताता है कि लेफ्ट वाला पहले एग्जीक्यूट होना है या राइट वाला एग्जीक्यूट होना है। प्रियोरिटी के हिसाब से जाएंगे तो प्रियोरिटी तो तीनों की बराबर है। एसोसिएटिविटी देखिए, आप चाहेंगे तो मेरे सी लैंग्वेज के अंदर हाउ टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन बोल के आपको मिले, एक्सप्रेशन इवैल्यू
वैल्यूएशंस, उसमें जाके देखेंगे तो ऑपरेटर की टेबल, कौन सा ऑपरेटर की कितनी प्रायोरिटी है, कौन सा ऑपरेटर कैसा एग्जीक्यूट होगा, उसका एसोसिएटिविटी क्या है, सब है। देखिए इसका प्रायोरिटी सेम है क्योंकि सेम ऑपरेटर, तो प्रायोरिटी सेम ही होंगे। अब एसोसिएटिविटी की बात आएंगे तो इनका राइट एसोसिएटिविटी है इज इक्वल टाइप ऑपरेटर्स, कुछ भी हो जाए असाइनमेंट टाइप ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट ही होगी, पहले राइट राइट का ही एग्जीक्यूट होगा पहले, अब ये एग्जीक्यूट होगा पहले के प्लस इक्वल टू वन। यहां को आओ के प्लस इक्वल, इसको अलग से लेकर लो इधर, के प्लस इक्वल टू वन, के प्लस इक्वल टू वन का मतलब ये है, इसका फुल एक्सपेंशन ये है के प्लस इक्वल टू वन, के प्लस इक्वल टू वन का मतलब के इक्वल के प्लस वन है, बस ये है। और उसके बाद ये हटा देंगे, आपको जान गए हैं आप के इक्वल के प्लस वन, के में ऑलरेडी क्या है वन है, वन प्लस वन कितना होगा, तो हाँ इसका प्लस का प्रायोरिटी ज्यादा है ना, इक्वल टू से पहले प्लस करो, के में वन है देख लीजिए, हाँ वन प्लस वन टू होगा, वो टू किसे असाइन होगा, के को असाइन हो जाएगा, अब के में हो गया टू, टू हो गया, अब ये ऑपरेटर तो एग्जीक्यूट हो गया, अब ये बचा, इसको लेके आ लीजिए आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये रफ वर्क है, इसका आउटपुट तो यहाँ है, अब यहाँ को लेकर आ लीजिए इसको, और ये क्या है जे प्लस इक्वल टू के, इस ये पार्ट ऑपरेटर ला लो इधर के, उधर के दो ऑपरेंट को इधर ला लो, तो ला लेना है क्या जे इज इक्वल टू जे प्लस के, अब बताइए जे में ऑलरेडी वन था, के में अभी टू है, वन प्लस टू होने के बाद जे को असाइन हो गया थ्री, ये हो गया थ्री। अब देखिए जे में क्या है, जे में है था वन, के में ऑलरेडी टू हो गया था, वन प्लस टू कितना हुआ थ्री, जाके जे में असाइन हो गया, अब ये भी हो गया। अब बचाइए आई जी, आई प्लस इक्वल टू जे का मतलब क्या है, आई इज इक्वल आई प्लस जे, आई में वन है उसे जे ऐड होगा, जे का वैल्यू कितना है थ्री है, फोर हो जाएगा वो, ये फोर हो जाएगा, आप डाल के कर सकते हैं, यहाँ डाल के कर सकते हैं, ये फोर हो जाएगा अभी, क्योंकि आई में वन था, वन प्लस जे, जे जे में थ्री है फोर, फोर फिर किसे असाइन हो रहा, आई को असाइन हो रहा। अब हमें प्रिंट करें आई जे के, आई जे के को प्रिंट करेंगे, यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट होगी, कितना आई की वैल्यू फोर है, कामा की जगह कामा प्रिंट होगा, जे की जगह थ्री प्रिंट होगा, के की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, बीच में कामा प्रिंट होगा, ये फाइनली इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, देखो फोर थ्री टू इसका ऐसा एग्जाम आएगा। तो देखिए हम पूरे आके बहुत सारे बिट्स बनाने वाले हैं, लगभग सौ में बनाने वाले हैं, हजार तक भी बनाने, हजार तक बिट्स बनाने वाले हैं, तो आप फॉलो करते रहिएगा, तो हर दिन मेरा चैनल अपडेट होता रहता है, आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।